फ्रेंड्स देखो मेरी मम्मी को, मम्मी को यहाँ पे सामान नहीं मिल रहा था मेरी किचन में, उन्हें चाय बनानी थी, उन्होंने किस में चाय बनाई है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इनके सूटकेस निकलवा दिए हैं, ऐसा ही है। और ध्वनि आप हैप्पी हो? तो फ्रेंड्स वो घड़ी आ गई है जिसमें मुझको पढ़ना पड़ा। अरे जीनी ध्वनि मतलब खाना खाती है वापिस, तुम होमवर्क में लग गए। इतना ज्यादा होमवर्क है, बस मैं लास्ट वर्ड लिख रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज मैं बना रही बच्चों के फेवरेट ब्रेड पकौड़े। तो जिनी खाएगी ब्रेड पकौड़ा? हाँ मम्मी, मैं क्यों नहीं खाऊंगी जब आप बना ही रहे हो। अभी आपने क्या बोला, बच्चों के लिए बना रही, तो आप पापा को नहीं दोगे? हाँ दूंगी। और फ्रेंड्स आपको पता है हमें घूमने जाना है, तो एकदम प्लान हुआ है और ऑलरेडी इतना सब कुछ फैला पड़ा है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। कल बच्चे थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लेकर आए, थोड़ी 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 करके हो रही है, लेकिन अभी फाइनल शॉपिंग कुछ भी नहीं हुई है। इन बच्चों की तो थोड़ा बहुत हुआ हुआ है, मेरी तो कुछ भी नहीं हुई है। तो चलो आज दिन की स्टार्टिंग करते हैं, इनको ब्रेकफास्ट वगैरह कराते हैं, देखते हैं क्या क्या। मम्मी आज फाइनली आप हमारी सूटकेसेस निकालोगे या नहीं निकालोगे? हाँ मैं निकालती हूँ, अभी मैं आज निकलवाती हूँ तुम्हारे सूटकेस भी, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सामान कलेक्ट करना शुरू करती हूँ। यस मामा, मुझे भी बहुत सारे टॉप्स चाहिए। क्या टॉप्स? मतलब वो पहने वाले टॉप्स, वो कानों वाले नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ। ऑलरेडी अभी तेरे कपड़े कितने आए हैं? पर मुझे और चाहिए। और चाहिए? हाँ जा रही हूँ वहाँ पे। हाँ बस में जा रही हूँ मैं वहाँ पे। फ्रेंड्स अभी याद रखना जिनी बस में जा रही है, आप वो जगह अब बताओ कमेंट कर करके हम कहाँ जा रहे हैं और जहाँ जिनी परमानेंट रहने जा रही है। फ्रेंड्स देखो मेरी मम्मी को यहाँ पे सामान नहीं मिल रहा था मेरी किचन में, उन्हें चाय बनानी थी, उन्होंने किस में चाय बनाई है? कढ़ाई में। देखो उन्हें मेरे घर में और कुछ नहीं मिला, उन्हें उन्हें सिर्फ मेरी कढ़ाई मिली है। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो दिख रही है कढ़ाई में चाय। नानी ऐसे क्यों किया? चल तू अब पिटेगी, नानी पीटेंगी इसे। One hour later. तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इनके सूटकेस निकलवा दिए हैं। मेरी इतनी इज्जत के बाद, इतने बोलने के बाद फाइनली मम्मी ने निकलवा दिया ना, मम्मी ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। और ध्वनि आप हैप्पी हो? ध्वनि तो अभी सो के उठी है, कितना एक्साइटेड हो? तो यही वाला लेके जाओगे? अपना दूसरा तो लेके जाना ना, छोटे छोटे नहीं जाएंगे, अब बड़ा जाएगा। अब बड़ा जाएगा अच्छा, अच्छा तो आपका डिसाइडेड है ना? Yes. तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो? हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि जिनी तो वहाँ पे बसने जा रही है ना। हाँ दिखा अपनी डायरी, क्या क्या लिस्ट बना रखी है ध्वनि की डायरी, इसमें रखी हुई है जिनी, इसको दे दे। अच्छा क्या लेकर आएगी वहाँ से? तो फ्रेंड्स देखते हैं ध्वनि क्या क्या लेकर आएगी। चलो अब ध्वनि की लिस्ट देखते हैं, आओ इधर दिखाओ अपनी लिस्ट। दिखाऊंगी कहाँ जा रहे हैं। अच्छा हाँ, वो ये नहीं दिखाएगी हम कहाँ जा रहे हैं। स्मार्ट वॉच, इयर रिंग, डायरीज, लिप बाम भी है हमारे पास, ये लॉर्डोल्स और हैचिमर्स हैं, रिंग्स, ये यहाँ पे वो हैमलीज में ये दोनों, और ये स्टिकर इयर रिंग्स हैं। ओ भाई इतनी लंबी लिस्ट इनकी तैयार है। ओ बेटा इतनी लंबी इनकी लिस्ट तैयार है। अब ये बच्चे देखते हैं क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। धूम मचाने वाले हैं, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम मचा ले, धूम। तो ध्वनि एक्साइटेड? ये देखो अभी तो इसमें कुछ सामान नहीं है, इसलिए मैं इसको उठा पाती हूं। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो उनकी लिस्ट तक तैयार है शॉपिंग की, ये घूमने नहीं जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं ना। यस हैमलीज चलेंगे बेटा, हम जहाँ जा रहे हैं मे बी वहाँ हैमलीज ना हो और कुछ हो। अच्छा ओ भाई इसने यूट्यूब पे सब सर्च कर रखा है। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। चलो अच्छा ठीक है, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो चलो अच्छा एक काम करो, सुनो जल्दी से नहा लो, रेडी हो जाओ, अभी थोड़ा बहुत यहाँ का मार्केट का सामान ले आएंगे, फिर कल मॉल जाना है, मॉल से भी शॉपिंग करनी है। तो जल्दी जल्दी एक्साइटेड हो तो जल्दी जल्दी काम कर लो। फ्रेंड्स इन्हें लिखो कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाए, मुझे दुखी ना करें।
पेंटिंग नहीं करनी है, तैयार हो जाओ जल्दी से। क्या है ये? पाउच। तो चलो जल्दी से रेडी हो। A few moments later. तो फ्रेंड्स वो घड़ी आ गई है जिसमें मुझको पढ़ना पड़ा और मेरे को अपना हॉलीडे होमवर्क करना पड़ा। हॉलीडे होमवर्क में भी मैम ने मुझे दे दी पेंटिंग, और वो भी फ्रांस की पेंटिंग। फ्रेंड्स का काम था फ्रेंड्स का हॉलीडे होमवर्क, हमें कुछ भी फ्रांस से रिलेटेड पेंटिंग बनानी थी और मैंने बना ली है विद स्लोगन। मैंने स्लोगन भी लिखा है और ये देखो फ्रेंड्स, इधर आओ, ये देखो फ्रेंड्स मैंने आईफिल टावर बनाया है, यहाँ पे पेरिस लिखा है और यहाँ पे मैंने स्लोगन लिखा है। और मेरे पास मेरा स्लोगन का मतलब है, मतलब ये है उसका कि हैप्पीनेस खुद नहीं आती है, हमें अपने एक्शन से हैप्पीनेस को बनाना पड़ता है। इसकी ये पेंटिंग मेरे को अभी तक समझ नहीं आई है इसने क्या बनाई है। और वो देखो फिनाइल भी बराबर में रखा हुआ है, तो उसने फर्श का हाल किया ना। पापा इसको इतनी बार कहते हैं कि या तो मैट बिछाओ या फिर न्यूज़पेपर बिछा के करो, लेकिन ये मैडम तो सुनती नहीं है ना। ये मैडम ये तो कर लिया और मैंने दो स्केल करे हैं, स्केल पेंट करा जाता है आजकल। और मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर ये वाली पेंटिंग ये पेपर पे बनाती ना एकदम अच्छी लगती थी। ये वाली पेंटिंग इसने पाउच पे बनाया है पर फिर भी इसने बहुत अच्छा ट्राई किया है। मेरे को इसकी ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, ये वाली समझ नहीं आ रही है। अगर बीच में इसने राखी बना दी, राखी का बीच में गोला बन गया है, बीच में धागा बन गया। जिनी अब क्या करने बैठ गए हो? कोई अंत ही नहीं दिख रहा है उसका मेरे को। हम लोग घूमने जाएंगे ना, तो सीधा घूमना आने के बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके लिए मेरे को हॉलीडे होमवर्क ध्वनि का भी करवाना पड़ेगा। मेरे सारे वो हो गए, राइटिंग वर्क हो गया सारा, बस अब दीदी मुझे एक्टिविटीज करा रही है। अब मम्मी भी बिजी है, मम्मी भी मार्केट गई हुई है थोड़ा सामान वामान लेने के लिए। अब क्या करें, हमारी पता शॉपिंग नहीं हुई है इस बार बिल्कुल भी, ऐसी प्लान बन गया, ऐसी प्लान बन गया। तो जिनी तेरे को होमवर्क करना कैसे सूझा, गए होमवर्क भी करना चाहिए? बस सूझ गया नानी ने बोल, क्या सूझ गया ये बता, तेरा मुंह सूझ गया? नहीं, नानी ने बोल बोल के कि होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, मैंने कर लिया। पहले मेरा सारा राइटिंग वर्क खत्म हो गया था जब दीदी का नहीं हुआ था, बस दो पेज ही रहे थे और दो पेज में मुझे आ नहीं रहा था, तो दीदी ने करा दिया ठीक है। और अब बस एक्टिविटीज आई है, मम्मी ना मम्मी को समझ नहीं आता इंग्लिश, तो मम्मी करवा, मम्मी को इंग्लिश समझ नहीं आती भाई। ये तो मजाक कर दिया इसने, वही बहुत बड़ा वाला मजाक कर दिया इसने। जिन्हें तू बना क्या रही है वो तो बता दे। ये देखो ये वाला मेरा है। ये गुब्बारा क्यों फुला रही है तू इसमें? ये गुब्बारा नहीं, ये पानी है, अभी कलर हुआ। अच्छा ये पानी है, पानी की बूंद है मतलब ये? हाँ, कंजर्व वाटर। कंजर्व वाटर, ये भी पानी। और ये मेरा है जीरो हंगर का। जीरो हंगर? यस। वो क्या होता है? मतलब बहुत लोग भूखे मर रहे हैं। डस्टबिन क्यों बनाया तूने? वही खाना थ्रो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा तुम लोग खाना थ्रो कर रहे हो? मतलब की हम जो मतलब पूरी अर्थ में बहुत ही लोग अपना आधा बचा हुआ खाना वेस्ट कर रहे हैं, और वो नहीं करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए उतना ही। ये कौन से सब्जेक्ट का ये बता दूं? एसएसटी का है ये, एसएसटी का है। तेरी एसएसटी वाली मैडम ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया है। मैडम नहीं है, सर हैं। चलो ठीक है, एसएसटी वाले सर ने बहुत अच्छा होमवर्क दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमको खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट द फूड। पता है हम लोगों ने एक दिन पिज्जा मंगाया था और फिर वो हमारे गार्बेज बैग छूट गए, मतलब कि वेस्ट नहीं हो रही थी, मतलब वेस्ट हो रही थी ठीक है। तो पापा ने कहा कि तुम दोनों जाओ और गार्ड वाले अंकल को दे के आओ वाले बैग। वेरी गुड, वी शुड नॉट वेस्ट फूड। इशना, हाँ? आज तो खाने की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्या बनाया तुमने? मैंने दाल मखनी, शाही पनीर। ओए होए, दाल मखनी, yes. शाही पनीर, yes. आराम से गिर। अच्छा सैलेड भी है तो अनियन और कुकुम्बर की? कुकुम्बर भी है। ओ ये तो राइस भी है, तो मैंने देखा ही नहीं। राइस भी है, चपाती भी है। मैंने सोचा बहुत दिनों से हम बाहर का खाना खा रहे हैं, तो कुछ अच्छा घर का हो जाए, मम्मी को भी अच्छा। ये तो मुझे अच्छे से भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जिनी मतलब तेरे को क्या पसंद है ज्यादा, दाल मखनी या शाही पनीर? मैं दोनों खाती हूँ, मतलब दाल मखनी भी ले लेती हूँ और शाही पनीर दोनों। पसंद क्या है तू वो बता। पसंद दाल मखनी है। दाल मखनी तो फ्रेंड्स मिसाल सभी की पसंद होती है। और ध्वनि आप बताओ आपको क्या पसंद है? दोनों। लेकिन तुमने इतनी बढ़िया बढ़िया दाल और सब्जी बनाई है, तुम इसका नान भी बना लेती तो कुछ ज्यादा अच्छा रहता ना। फुलके, फुलके तो मुझे दिख ही नहीं रहे, फुलके का ओए होए, फुलके बनाए हैं और राइस के साथ। राइस के साथ, तो चलो खाना वाना खाओ, आप भी खाओ।
मम्मी को भी बुला। जीनी पहले तू टेस्ट करके मुझे बता के सही बना भी या नहीं बताया, कभी मैंगो चैलेंज की तरह हो जाए कुछ। पहले तू दाल मखनी टेस्ट कर, क्या हुआ? बढ़िया, टंटना टंटन। रुको मैं जरा ध्वनि का भी रिएक्शन ले लूं। बढ़िया जीनी, जरा पनीर भी टेस्ट कर ले। कैसा है रिएक्शन? तो ऐसे देखते जैसे गंदा हो। इसने बाजार से तो नहीं मंगाया? नहीं, मैंने आज कुछ भी बाजार से नहीं मंगाया है, क्योंकि इतने दिनों से बाजार का हो रहा था तो मैंने। तुमने पनीर घर में बनाया है? पनीर घर में नहीं बनाया, पनीर बाजार का है। और ये सैलेड जो है, आप ये भी कहोगे कि दाल घर में बनाई है? दाल मैंने घर में थोड़ी ना उगाई है। अच्छा फिर क्या किया तुमने? मैं तो दाल जो मार्केट से दाल आती है उसको धोती हूं। तो तुम्हारी फेवरेट गेस्ट है वो तो मैं पूछना ही भूल गया। मेरी फेवरेट है, आप लोग अच्छे से खाना खाओ। नहीं, दाल या पनीर में से एक चीज बताओ। मेरी दाल। दाल। तो फटाफट से हम लोग फ्रेंड्स खाना खाना शुरू करते हैं। अरे जीनी धोनी मतलब खाना खाती है वापस तुम होमवर्क में लग गए? इतना ज्यादा होमवर्क है, बस मैं लास्ट वर्ड लिख रही हूँ। मतलब तुम मतलब जब 15 दिन बच रहे हैं मतलब तभी होमवर्क कंप्लीट करना शुरू करोगे? हमें ना करने दो क्योंकि हमारी एक्टिविटी सिर्फ अभी तक फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। नहीं, ओ इसमें तो बहुत सारे कलर भर दिए धोनी तूने। हां मैं यहां पे धोनी लिखूंगी। मेरी धोनी धोनी सेकंड बी। सेकंड बी में तू? सेकंड क्लास में? हां सेकंड। अच्छा हरकतें तो नर्सरी वाली हैं अभी भी तेरी। और जीनी तेरा तेरा क्या हाल है? मेरा हो गया पूरा कंप्लीट, हो गया पूरा कंप्लीट। क्या बनाया जरा दिखाओ अपने फ्रेंड्स को। ओके, वर्ल्ड फूड डे #ZeroHunger 1/3 फूड वेस्टेड एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मतलब हमें उसको थोड़ा सा कंजर्व करना चाहिए, मतलब कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना हमें चाहिए होता है। और उसके बाद मैंने स्लोगन लिख दिया, सेव इट शेयर इट एंड कंपोस्ट इट। और उसके बाद मैंने शो किया कि अर्थ 1/3 फूड है जो वेस्ट हो रहा है, डस्टबिन में जा रहा है। और बीच में तूने वाटर लगा दिया है? हाँ मतलब वो अर्थ है ना पूरी, वो अर्थ है। ध्वनि तू भी दिखा दे पहले एक बार। वाओ कितना कलरफुल कलर। ध्वनि लिखती रहियो बाद में, लेकिन पहले फ्रेंड्स को दिखा दे एक बार। एक सेकंड, मेरा डॉट डॉट कंप्लीट होने वाला है। डॉट डॉट कंप्लीट होने वाला है तो दिखा दे जरा अपने फ्रेंड्स को तूने क्या बनाया है। तो फ्रेंड देखना चाह रहे ना कि मतलब तूने एक्टिविटी में क्या बनाया। कंजर्व वाटर। तो तूने ये नल खुला हुआ दिखाया और एक बूंद गिर रही है, जो कि हमें पानी ऐसे नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो हमें नल कभी भी खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। एक साइन बनाना था फॉर कंजर्विंग वाटर, तो मैंने साइन में क्या किया, एक ट्रायंगल दिखा दिए, साइंस होते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल भी दे दिया था सर्कल में, मैंने कहा ट्रायंगल में बनाते हैं, हमने ट्रायंगल में बनाया। तो अब तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट होने वाला होगा क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन बच रहे हैं छुट्टियां खत्म होने में। उसके बाद हमें अभी घूमने भी जाना है। अच्छा घूमने भी जाना है? यस, और इतनी जल्दी जल्दी मैं अपना। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने गेस्ट भी कर लिया है, ठीक गेस्ट भी किया है। तो फ्रेंड अब आपको ये कमेंट में बताना है कि हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं या डोमेस्टिक। मुझे पता है। आपको तो पता ही होगा ना क्योंकि आप जा रहे हो। हाँ मैं जीनी धोनी, सोना नहीं है क्या आज? नींद नहीं आ रही? कौन सी सीरीज देख रहे हो तुम लोग? बार्बी रॉबर्ट्स। बार्बी? बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें घूमने के लिए चलना है या नहीं चलना है? तो तभी तो मैं सूट के साथ आया। देखो ये बूटी का सूट, जो क्या कहते हैं उसे, सूट के इसमें सामान भी है। अगर तुम्हें चलना है घूमने तो उसके लिए कल हमें कहाँ जाना है? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने हम कैसे जा सकते हैं? और सोओगे कब? अभी 5 मिनट में। पक्का? हाँ। एक बात बताओ तुम्हें, टीवी इतना इम्पोर्टेंट है शॉपिंग से ज्यादा और घूमने जाने से ज्यादा? वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे एंजॉयमेंट के लिए हम सुबह से अपना काम कर रहे हैं, अपना हॉलिडे होमवर्क कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। फ्रेंड्स जब तक हम टीवी देख रहे हैं और सो रहे हैं तब तक इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।